गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाने के ऊपर संगत का 20,000 रुपए का चालान काट दिया जाता है। जो भी अपनी कार मोटरसाइकिल लेकर जाता है उसका लाखों रुपए का चालान कट के उसके घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर काम करने वाले सेवादार ग्रंथी कीर्तनी जत्थे भी है जो रोजाना अपनी नौकरी करते हैं। दूर देश विदेश की सिख संगत हो या हिंदू संगत हो, जो भी माथा टेकने आते हैं सबके चालान काट कर उनके घर भेजे जा रहे हैं। 20,000 रुपए का स्कूटर का 2,00,000 रुपए का चालान कट चुका है। आइए विस्तार से इस मामले को जानते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ सिखों के और हिंदू भाइयों के जो रोज गुरुद्वारा साहिब जाते हैं या अलग अलग राज्य से माथा टेकने और दर्शन करने आए थे, सबके 2 करोड़ के नजदीक चालान कट चुके हैं। दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब रोड पर जो भी व्हीकल सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच जाता है, इस सड़क के ऊपर जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बाहर निकलती है तो उसका चालान काट दिया जाता है। तो ऐसे में सिख संगत ने यहाँ तक तो सहन कर लिया था, लेकिन जब कोई माथा टेक कर सुबह 9:05 पर गुरुद्वारा साहिब से बाहर आकर गुरुद्वारा साहिब की ही अपनी पार्किंग से अपनी कार मोटरसाइकिल स्कूटर निकालता है तो उसका चालान काट कर भी उसके घर भेज दिया जाता है। यदि कोई सेवादार या ग्रंथी अपना साधन यहाँ पर आकर 9 बजे के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए खड़ा करता है तो उसका चालान भी 20,000 का कटता है। इसलिए इसको जजिया टैक्स का नाम दिया गया कि सरकार अपनी मर्जी से जबरदस्ती सिखों के चालान काट रही है और सीधे तौर पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाने वाली संगत को परेशान करना चाहती है। संगत ने अनेकों शिकायतें दी लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ना PWD इसका हल करता है ना MCD। गुरुद्वारे के प्रधान और मेंबर शांति से वोट लेने के बाद सो रहे हैं। सिरसा साहिब कहते थे उनको पंथ का बहुत दर्द है, वह सिख कौम की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वह भी अभी तक इस मामले में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिख संगत अपने दम पर डेलीगेशन बनाकर अलग अलग मंत्रियों, अफसरों और डिपार्टमेंटों के दरों पर जा रही है और केवल एक नाम अभी तक इसमें सीधे रूप से दिखा है, सरदार मनजीत सिंह जी के का, जिसमें उन्होंने सरकार को कहा है कि अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा के चालान कट चुके हैं और हर चालान की कीमत तकरीबन 20,000 रुपए है और इसका हल निकाला जाए, लेकिन सरकार उनके इस खत के ऊपर भी चुपचाप सो रही है। सिख संगत ने सरकार से मांग रखी कि उनको इसका कोई अल्टरनेटिव रास्ता दिया जाए या हमें एक साइड का रास्ता दिया जाए जिससे हम अपनी कार और मोटरसाइकिल को वापस भी ले जा सके। सरकार से पूछना चाहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बुजुर्ग सिख जोड़ा या कोई विकलांग व्यक्ति आधा किलोमीटर पीछे अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां से पैदल जाएगा। कैसे एक रिक्शे वाला इस सड़क के ऊपर जा सकता है और एक आम व्यक्ति इस सड़क के ऊपर अपना मोटरसाइकिल और कार लेकर नहीं जा सकता। गुरुद्वारे के कर्मचारी सेवादार जो काम करते हैं वह भी 9 बजे के बाद अपनी ड्यूटी के ऊपर अपना साधन लेकर नहीं जा सकते हैं। आखिर इस देश में क्या चल रहा है? क्या यह मुगल सरकार है या इस देश की स्वतंत्र सरकार है? जिस सरकार का जो बस चलता है वह उसी तरह से सिखों के ऊपर अत्याचार करने को लग जाता है। सिख परिवारों के ऊपर यह बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है। इसमें सभी लोग इनका बढ़ चढ़कर साथ दें और इनकी मांग को सरकार के सुस्त कानों तक जरूर पहुंचाइए ताकि सिख संगत को अलग रास्ता दिया जा सके या इनके चालान कटने बंद हो जाए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।